हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेक्सटाइल टॉपिक के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह कॉटन यानी कि कपास है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कपास होता क्या है। जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को, कपास यानी कि कॉटन, तो ये एक कपास का पौधा दिख रहा है जिसमें एक कपास की टहनी है, कपास की ऐसे पत्तियाँ होती हैं और कपास में ये जो दिख रहा है ये कपास का फल है। क्या है? कपास का फल है। इसको क्या हम बोलते हैं? इसको हम कोए बोलते हैं। कोए यानी इंग्लिश में इसको पोड्स बोलते हैं। इसी से रेशे बनते हैं या इसी से रेशे निकलते हैं, यही कपास का फल है। इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम कपास के बारे में देखते हैं, इसका उद्गम एवं इतिहास, कि कपास का उद्गम कैसे हुआ, इसका जन्मदाता कौन है, ये सारी चीज़ें। तो कपास का उद्गम एवं इतिहास में कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान भारत है, इसलिए भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि भारत में अति प्राचीन काल से कपास का उपयोग वस्त्र बनाने के रूप में किया जाता है। कपास का उद्गम ईसा से 400 वर्ष ईसा पूर्व हो चुका था। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त चांदी के बर्तन हैं जिनके चारों ओर कपास के रुई लपेटे गए थे। तो कपास का जन्मदाता कौन है? भारत है। जैसा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से जो चांदी के बर्तन मिले हैं उनके चारों ओर कपास के रुई जो है उसके रेशे लपेटे गए थे, तो इससे यह प्रमाणित होता है कि कपास का जन्मदाता कौन है? भारत है। आगे देखते हैं कि कपास का उत्पादन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, जिसमें से दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया, वेस्ट इंडीज प्रमुख देश हैं। कपास उत्पादन के क्षेत्र में अमेरिका विश्व में प्रथम स्थान पर है। अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए कि कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर है तो वह अमेरिका है, और दूसरे स्थान पर भारत है। उत्पादन की दृष्टि से मिस्र का तीसरा स्थान है, लेकिन अगर गुणवत्ता की बात करें, कपास के क्वालिटी या गुणवत्ता की बात करें, तो सबसे उच्च कोटि का जो कपास उत्पादन होता है वह मिस्र में होता है। कहाँ पे होता है वह? मिस्र। मिस्र का कपास उत्तम किस्म का माना जाता है। किस दृष्टि से? गुणवत्ता की दृष्टि से। उस तरह से अगर सामान्य कहें उत्पादन की दृष्टि से तो मिस्र तीसरे स्थान पर है, और गुणवत्ता की दृष्टि से मिस्र पहले स्थान पर है। भारत में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना कहाँ पे होती है? कोलकाता में 1818 ईस्वी में, इसके बाद मुंबई में 1854 में, और अहमदाबाद में 1861 में, और कोलिको में 1866 में कॉटन मिल की स्थापना हुई। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगर भारत की बात की जाए, भारत में पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन कहाँ होता है, तो इसमें आ जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं कपास की खेती, कि कपास की खेती कैसे होती है, इसकी हार्वेस्टिंग कैसे होती है। तो कपास की खेती के लिए जो जलवायु हमें चाहिए होती है वो कैसी जलवायु चाहिए होती है? वो उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयोगी होती है, और इसकी मृदा जो होती है वह काली मिट्टी। काली मिट्टी में ज़्यादा कपास उत्पादन होता है, और काली मिट्टी में भी सर्वाधिक अच्छी मिट्टी जो होती है वह रेतीली मिट्टी होती है, या क्षारयुक्त मिट्टी या क्षारयुक्त भूमि जिसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। तो इस मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए कपास उत्पादन ज़्यादा अच्छा होता है। और वर्षा इसके लिए कितनी ज़रूरी होती है? तो वर्षा इसके लिए 30 से 38 सेंटीमीटर आवश्यक होती है, लेकिन जब बीज बोने का समय होता है, बीज बोते समय ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला है, इसमें टाइमिंग कितना लगता है? तो इसमें 200 दिन लगते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यह एक वर्षीय पौधा है। ठीक है, कैसा कपास, कैसा पौधा है? तो कपास एक वर्षीय पौधा है। जैसे ये देखिए चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये कपास का पेड़ है जिसमें ये कपास का फल है हम कह सकते हैं, या इसको पोड्स बोल सकते हैं। यह कपास का पोड्स है जो फट चुका है। ठीक है, फटने के बाद ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद जो रेशे हैं ये बाहर आ रहे हैं।
इसके पहले कपास इस तरह से होता है, ठीक है। इसी स्थिति में हमें कपास को इकट्ठा कर लेना होता है, तोड़ लेना होता है, क्योंकि जब कपास फट जाता है उसके बाद अगर हम उसको तोड़ते हैं तो रुई और गंदी या कपास के रेशे और गंदले हो जाते हैं और उसमें डस्ट वगैरह चिपक जाती हैं। तो ये कपास को तोड़ने का ये उपयुक्त समय होता है जब कपास का कोया जो है फटने वाला होता है उसके तुरंत पहले का टाइमिंग। तो इसमें हम देखते हैं कपास का पौधा, जो कपास का प्लांट होता है वह 4 से 6 फीट लंबा होता है। उसकी लंबाई कितनी होती है तो 4 से 6 फीट लंबा होता है, और जब पौधा 3 इंच का होता है तब इसकी निराई की जाती है। जैसे धान वगैरह की निराई की जाती है वैसे कपास की भी निराई करके जो उसमें से खरपतवार वगैरह होते हैं उनको बाहर किया जाता है। तो कब किया जाता है, जब कपास का पौधा 3 इंच का होता है और कपास की एक टहनी में 3 से 5 कलियां खिलती हैं। कलियां कहें तो फूल, जिसके बाद जब कली से फूल खिलता है, फूल के बाद क्या होता है उसके फ्लावर्स झड़ जाते हैं और उसमें से कोए निकलते हैं, ठीक है, कोए निकलते हैं और वही कोए फटकर फिर कॉटन उससे निकलता है या कॉटन का रेशा निकलता है, ठीक है। तो एक टहनी में 3 से 5 कलियां खिलती हैं। प्रारंभ में कपास के फूल क्रीम रंग के होते हैं और बाद में बैंगनी रंग के हो जाते हैं, कभी कभी रंग भी पूछा जा सकता है। और फूल झड़ने के पश्चात कोए निकल आते हैं और कोए के भीतर कपास का रेशा बीज के चारों ओर लिपटा रहता है। कोए पक जाने के पश्चात फट जाते हैं और उनसे सफेद रंग के रेशे बाहर निकल आते हैं। कोए बीनने का यही उपयुक्त समय है, मतलब जब जो कोए होते हैं वो फटने वाले होते हैं तो फटने से पूर्व ही हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं या कोए को बीन लेते हैं या कोए को पेड़ से अलग कर लेते हैं रेशे निकालने के लिए, यही उसका सही टाइम होता है। और एक कोए में 1/3 1/3 भाग कपास होता है, मतलब रेशा होता है, और 2/3 2/3 भाग बीज होता है जिसको हम बिनौला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिनौला। अब आगे देखते हैं कि इससे वस्त्र कैसे बनते हैं, वस्त्र निर्माण कैसे होता है, वस्त्र निर्माण में क्या क्या प्रोसेस होती है। तो इसमें सबसे पहले जो प्रोसेस है वो है कोए को एकत्रित करना, ठीक है। कोया क्या होता है ये तो आप लोग जान ही गए, अभी हमने चित्र में ये दिखाया था। ये देखिए जो रेड कलर से ये हम घेरे हैं ये कोया है, जो कोए के फटने मतलब कपास के जो फल के फटने की जो पूर्व स्थित होती है उसको हम कोए बोलते हैं, इसी को हमें इकट्ठा करना। तो कोए शब्द जब जहां भी आए तो ये इमेज आप सबके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो यहां देखते हैं पहले क्या हम करते हैं, पहले जो हमारी प्रोसेस है वो यही है कि कोए को एकत्रित करना, मतलब जो कपास का पौधा होता है वहां से हम कोए को अलग करते हैं। और कोए भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कुछ फूल खिल रहे होंगे, कुछ कोए तोड़ने लायक होते हैं, तो कुछ कोए फटने के कगार पे होते हैं, और कोई कुछ कोए ऐसे रहते हैं जो फट चुके होते हैं, तो कई मतलब गैप में होते हैं, तो इसलिए इनको बार बार कई राउंड में इसको तोड़ना पड़ता है। तो कोए को एकत्रित करना, कलेक्शन ऑफ पॉन्ड्स, तो इसको जो है हम पेड़ से तोड़ते हैं, कभी कभी हाथ से भी इसको मतलब अलग करते हैं या इसको तोड़ते हैं, और अब तो टेक्नोलॉजी आ गई तो मशीन से भी इसको इकट्ठा कर लेते हैं। मशीन से कैसे होता है कि उस पर किसी रसायन का छिड़काव कर दिया जाता है उसके पौधे पर या उसकी खेती जहां होती है, जिससे उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं। पत्तियां झड़ जाने के बाद जो परिपक्व मच्योर कोए होते हैं उनको हम तोड़कर इकट्ठा कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, दूसरे में ओटना या बिनौले अलग करना, गिनिंग, जिसको हम इंग्लिश में गिनिंग कहते हैं। गिनिंग में क्या होता है कि जब हम कोए को तोड़ कर लाते हैं तो उसमें से जो कॉटन निकलता है, जो रुई, तो उसमें से जो रेशा होता है कपास का उसमें बीज भी होते हैं, तो बीज को रेशे से अलग करना। जैसे मान लीजिए ये कपास का फूल है या कपास का जो रेशा है तो इसके अंदर अंदर बीज भी होते हैं। कभी कभी आप लोग रजाई या गद्दे में देखे होंगे कि उसमें जो रुई होती है उसमें छोटे छोटे काले काले बीज भी होते हैं, ऐसे कुछ कुछ बच जाते हैं, तो उसी बीज को मतलब कपास के बीज को
रेशे से अलग करना क्या कहलाता है? गिनिंग कहलाता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ओटना, ठीक है। इसके बाद अगली प्रोसेस है, जब हम कपास को ओट लेते हैं या उसके रेशे को और बीज को अलग कर लेते हैं, तब फिर हम उसकी गट्ठर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? उसका गट्ठर बना लेते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेलिंग, ठीक है। बेलिंग में क्या करते हैं कि कपास के रेशे को हम अलग कर लेते हैं और रेशे को अलग करके गट्ठर बांध लेते हैं। उसके बाद अगले जगह, अगले टर्म में क्या है कि गांठें खोलना और मिलाना। अगले टर्म में जब हम रेशे को गट्ठर बांध लेते हैं, फिर उसको अलग स्थान पर ले जाके जहाँ पे उसकी धुनाई या आगे की प्रोसेस होती है, वहाँ पे हम उसकी गांठें खोलकर सारे रेशे को एक में मिलाते हैं। क्या करते हैं? सारे रेशे को एक में मिलाते हैं, या उसको कहते हैं हम ब्लेंडिंग। रेशों को आपस में खोल के मिलाना ब्लेंडिंग कहलाता है। अब ब्लेंडिंग के बाद जो दूसरा टर्म आता है वो होता है धुनाई की प्रक्रिया, ठीक है। धुनाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्डिंग। कार्डिंग में क्या होता है कि रेशे में जो अशुद्धियां कुछ होती हैं, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह, ये सब साफ किया जाता है और उसकी धुनाई की जाती है रेशे की। धुनाई करने के बाद अगला जो स्टेप होता है वह कंघी करना होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिंग। कॉम्बिंग से क्या होता है कि रेशों को समांतर किया जाता है। जैसे रेशे जो होते हैं उसमें आपस में उलझे हुए होते हैं और उसमें से छोटे बड़े कई टाइप के रेशे होते हैं, तो जब कंघी की जाती है तो बड़े बड़े रेशे अलग हो जाते हैं और वो समांतर हो जाते हैं और छोटे रेशे अलग हो जाते हैं। तो इसमें दो प्रक्रिया होती है, एक रेशों को समांतर किया जाता है, दूसरा छोटे रेशों को बड़े रेशों से अलग भी कर लिया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है कॉम्बिंग की। अगला हमारी प्रक्रिया है वो है पुनी बनाना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वरिंग। तो पुनी बनाने में क्या होता है कि कुछ रेशों को हम लेके उसकी पुनी बनाते हैं, उसको थोड़ा सा ऐठन देते हैं, ठीक है। अब पुनी बनाने के बाद क्या होता है कि उस रेशे में पुनी बनाने से, जैसे छोटे रेशे हैं तो उसमें और छोटे रेशे को हम जोड़कर उसको बड़ा भी कर सकते हैं। पुनी बनाने के बाद ही हम कताई की प्रक्रिया करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। और कताई प्रक्रिया से ही धागे का निर्माण होता है, ठीक है। सबसे पहले हम पुनी बनाते हैं, पुनी बनाने के बाद फिर उसके बाद उसकी कताई होती है, स्पिनिंग प्रोसेस होती है, जिससे बहुत लंबा धागा हमें प्राप्त होता है। फिर धागे को क्या करते हैं, किसी रील पर या किसी भी, मतलब जैसे ऊन वगैरह हम लोग खरीदते हैं तो मार्केट में ऊन लच्छी में मिलता है, तो उसका क्या करते हैं हम गोला बनाते हैं, या सिलाई मशीन आप लोग देखे होंगे तो उसमें रील लगी होती है तो उस पर भी धागे लपेटे जाते हैं। तो ऐसे स्पिनिंग के बाद जो धागा मिलता है, या तो हम उसकी लच्छी बना लेते हैं या उसको हम रीलिंग कर लेते हैं, उसको लपेट लेते हैं। उसके बाद अब हमें धागा प्राप्त हो गया, तो धागा कताई के बाद जो अगला स्टेप आता है वो बुनाई का आता है। बुनाई में हम, बुनाई को इंग्लिश में बोलते हैं वीविंग। बुनाई में क्या होता है, अब इसको हम लूम पे या करघे पे धागे को चढ़ाते हैं। एक धागा होता है जिसको हम बोलते हैं ताना, ये लंबाई में होता है, और दूसरा धागा होता है बाना, जिसको हम कह सकते हैं चौड़ाई या अनुदैर्ध्य या क्षैतिज। तो दो धागे दो टाइप से होते हैं, एक लंबाई में जिसको ताना बोलते हैं, एक चौड़ाई या हम कह सकते हैं क्षैतिज या पड़ा धागा जिसको हम बाना बोलते हैं। इन धागों से हम वस्त्र निर्माण की प्रोसेस शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं बुनाई या वीविंग होता है, ठीक है। वीविंग के बाद जो वस्त्र हमारा तैयार होता है, जो वस्त्र वीविंग के बाद हमें मिलता है, या हम कह सकते हैं करघे या लूम। करघे, इसको इंग्लिश में लूम बोलते हैं। करघे से जो हम वस्त्र उतारते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे गुड्स। जो करघे से तैयार वस्त्र होता है उसको हम ग्रे गुड्स बोलते हैं या ग्रीस गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीस गुड्स। तो ये मटमैला कलर का, मतलब मटमैला ऐसे वो वस्त्र होता है, ये पहनने लायक नहीं, मतलब वस्त्र बनाने लायक नहीं होता है। इसको उतारने के बाद इस पे परिसज्जा की जाती है। क्या की जाती है? परिसज्जा या फिनिशिंग, जिसको कहते हैं। फिनिशिंग करने से क्या होता है कि इसमें चमक आ जाती है, इसके जो सतह पे रोए वगैरह होते हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है। तो ये ग्रे गुड्स या जो करघे से उतारा गया जो कपड़ा रहता है उस पे परिसज्जा की जाती है। परिसज्जा के बाद कपड़े में चमक आ जाती है। उसके बाद जो सबसे अंतिम और लास्ट स्टेप होता है वो है रंगाई का और छपाई का।
इसके बाद हम चाहें तो, क्योंकि जो कॉटन होता है वो मेनली सफ़ेद रंग का होता है या हम कह सकते हैं धूमिल रंग का होता है, तो परिसज्जा करने के बाद उसको जिस रंग में चाहें उस रंग में कलर करते हैं और उस पर जो भी चाहें प्रिंटिंग या छपाई, वो छपाई की प्रोसेस होती है, ठीक है, तो जिसको हम डाइंग या प्रिंटिंग कहते हैं। उसके बाद फिर हमारा वस्त्र कपड़ा बनाने के लायक हो जाता है या कपड़ा बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इतनी प्रोसेस, ये सब सिक्वेंस से आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉटन से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें कभी कभी सीक्वेंस लगाने के लिए भी कह देता है, दे देता है, या कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है, जैसे गाँठे बनाने के सामने कुछ दे देगा, कंघी करना या कुछ, तो उसको मिलाना भी होता है और कभी कभी इसको क्रम से भी लगाने का आ जाता है। तो इसका सीक्वेंस पूरा याद करना जरूरी है। जैसे पहला है कोए एकत्रित करना, उसके बाद फिर ओटना, बिनौले अलग करना, उसके बाद फिर गाँठें बनाना, फिर गाँठें खोलना और मिलाना यानी ब्लेंडिंग, फिर इसके बाद कार्डिंग प्रोसेस होती है, कार्डिंग के बाद कॉम्बिंग होती है, कॉम्बिंग के बाद सिल्वरिंग होती है, सिल्वरिंग के बाद स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग के बाद फिर वीविंग, वीविंग के बाद फिनिशिंग, फिनिशिंग के बाद जो लास्ट हमारा है वो डाई एंड प्रिंटिंग होती है, ठीक है। ये इतने कॉटन से वस्त्र निर्माण की प्रोसेस है। अब आगे हम देखते हैं कपास की विशेषता, जो हमारा कॉटन होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो विशेषताओं में दो टाइप की विशेषता है, एक है भौतिक विशेषता और दूसरी रासायनिक विशेषता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, भौतिक विशेषता की, कॉटन में क्या क्या भौतिक विशेषताएं हैं, उसके बाद हम देखेंगे रासायनिक विशेषता। तो भौतिक विशेषता की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं संगठन। सबसे पहले क्या देखते हैं कि संगठन, जो कॉटन हमारा होता है, जो कपास का रेशा होता है, यह एक वनस्पतिक रेशा है। कैसा रेशा है, यह वनस्पतिक रेशा है, मतलब यह वनस्पति से प्राप्त होता है, यह वनस्पतिक रेशा है और वनस्पतिक रेशे में जो प्रधानता होती है वो किसकी होती है, वह सेलुलोज की होती है, ठीक है। तो वनस्पति जगत का जितना रेशा होगा वो सारा सेलुलोज का ही बना होता है, और सेलुलोज का सूत्र क्या होता है, C6H10O5N, ये सेलुलोज का सूत्र होता है। और संगठन में अगर बात करें तो जो हमारा कपास होता है, कपास के एक अणु में अगर बात करें तो 40-90% सेलुलोज होता है। कितना होता है, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेलुलोज का प्रतिशत कपास के रेशे में कितना होता है, तो 40-90% सेलुलोज होता है। और जल कितना होता है, 5-8% जल होता है। और अगर बात करें, ऐसे भी पूछ सकता है कि जो सेलुलोज होता है तो कपास के एक अणु में कितने कार्बन होते हैं और कितने हाइड्रोजन के अणु होते हैं, कितने ऑक्सीजन के। तो अगर बात करें कार्बन के, तो कार्बन के 6 अणु होते हैं और हाइड्रोजन के 10 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 5 अणु। मतलब कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 10 और ऑक्सीजन के 5 अणु मिलाकर कपास के सेलुलोज का अणु, एक अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब अगर आगे बात करें तो ये जो हमारा कपास का रेशा होता है, इसके ऊपर, कपास के रेशे के ऊपर एक रक्षात्मक आवरण होता है, किसका, मोम का। कपास के रेशे के ऊपर एक मोम का रक्षात्मक आवरण होता है, इसको नोट करते जाइएगा, रक्षात्मक आवरण होता है। ये काम क्या करता है, यह रेशे को कच्ची अवस्था में गलने से बचाता है। जब रेशा कच्ची अवस्था में होता है तो उसको गलने से बचाता है, मतलब लिख दे रहे हैं कच्ची अवस्था में रेशे को गलने से बचाता है, और दूसरा क्या इसका
उपयोग होता है, ये जो मोम होता है कपास में, यह कपास के रेशों को आपस में सटने के लिए उपयोगी होता है। रेशों को आपस में सटने में सहायता करता है, किसमें सटने में सहायता करता है, ठीक है। तो ये हो गया कपास का संगठन। अब अगर कपास के रेशे की लंबाई और व्यास की बात करें, तो जो कपास की लंबाई होती है वो कितनी होती है, आधे से ढाई इंच, आधे से ढाई इंच इसकी लंबाई होती है। और इसके व्यास की बात करें तो 16 से 20 माइक्रोन इसका व्यास होता है। कितना होता है, 16 से 20 माइक्रोन। और अगर एक माइक्रोन की बात करें तो एक माइक्रोन में 1/1000 मिलीमीटर होता है, 1/1000 मिलीमीटर होता है एक माइक्रोन में, ठीक है। तो व्यास कितना होता है, 16 से 20 माइक्रोन। अब अगर इसके माइक्रोस्कोपिक संरचना की हम बात करें, कपास के माइक्रोस्कोपिक संरचना की मतलब कपास का रेशा जो होता है वह माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसा दिखता है, तो माइक्रोस्कोप से देखने पर यह पतला ट्यूब के समान दिखता है। कैसा दिखता है, दो टाइप का, एक कच्चा रेशा होता है और एक परिपक्व रेशा। तो जो कच्चा रेशा होता है, कच्चे रेशे की बात करें, तो यह पतले ट्यूब के समान दिखता है। कैसे दिखता है, पतले ट्यूब के समान दिखता है। और अगर मैच्योर रेशे की बात करें तो वह बल खाते फीते जैसे के समान दिखेगा, बल खाते फीते के समान दिखता है, ठीक है। और कच्चे रेशे में जो ये ट्यूब होता है इसमें एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। जो ये ट्यूब होता है इसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं सैप। क्या बोलते हैं, सैप। इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है। जब रेशा परिपक्व होता है तो सैप सूख जाता है, और सूखने से क्या होता है, सैप जब सूख जाता है तो कपास का रेशा सिकुड़ जाता है, और रेशा सिकुड़ने के बाद वो चपटा हो जाता है। तो जो ट्यूब होती है, ट्यूब कच्ची अवस्था में, उसमें सैप भरा रहता है, सैप के सूखने कारण रेशा सिकुड़ जाता है, और रेशा सिकुड़ने से कपास का रेशा कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है, और मैच्योर अवस्था में रेशा बल खाते फीते के समान दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रोस्कोपिक संरचना। और इससे क्या होता है, जो रेशे में परिवलन आ जाता है, इसी सैप के कारण रेशे में परिवलन आ जाता है। क्या आ जाता है, परिवलन। और परिवलन के कारण ही रेशे में ऐठन का गुण विद्यमान होता है, ठीक है। जितना ज्यादा ऐठन होगा रेशे में, रेशा उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। तो कपास में ये जो ऐठन का गुण विद्यमान होता है, इसी के कारण कपास का रेशा क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। अगर कहें कि वनस्पतिक जगत में सबसे मजबूत रेशा की अगर हम बात करें तो वो कपास का ही होगा, ठीक है। तो कपास में, और यह मजबूती का गुण यह परिवलन या ऐठन के कारण होता है। अगर हम बात करें कि एक नॉर्मल प्रति इंच में एक रेशे में कितने मतलब ऐठन होगी या कितने परिवलन पाए जाएंगे, तो अगर नॉर्मल हम बात करें तो प्रति इंच में मतलब एक इंच में जो ऐठन या परिवलन की संख्या होगी वह 200 से 400 परिवलन पाए जाते हैं, ठीक है। कपास के रेशे में, कपास के रेशे के एक इंच में 200 से 400 परिवलन पाए जाते हैं, नॉर्मली है, ठीक है। तो इसी के परिवलन के गुण के कारण ही जो कपास का रेशा हमारा होता है वो बहुत मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। इसके बाद अगर बात करें तो इसकी रंग और चमक की, रंग और चमक की, तो कपास का रेशा जो होता है यह कच्चे अवस्था में भूरे रंग का होता है, कच्चे अवस्था में भूरे रंग का होता है। और यह भूरे रंग का क्यों होता है, यह भूरे रंग का होता है नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण,
नाइट्रोजन उपस्थित होता है तो इसलिए यह भूरे रंग का होता है, लेकिन जब परिपक्व अवस्था में होता है मतलब पकने पर कपास का रेशा यह सफ़ेद रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? सफ़ेद रंग का हो जाता है। और इसमें जो चमक लाई जाती है, क्योंकि इसमें अपनी वास्तविक या प्राकृतिक चमक नहीं होती है, कपास के रेशे में प्राकृतिक चमक नहीं होती है, इसमें चमक लाने के लिए एक प्रक्रिया की जाती है जिसको हम बोलते हैं मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग प्रक्रिया की जाती है कपास के रेशे में चमक लाने के लिए, ठीक है। तो अगर बात करें कच्चे अवस्था में तो कपास का रेशा भूरे रंग का होता है, और पकने पर यह कैसा हो जाता है? सफ़ेद रंग का हो जाता है। और इसमें चमक लाने के लिए क्या की जाती है? मर्सराइजिंग प्रक्रिया की जाती है। अब आगे अगर हम बात करें प्रत्यास्था की, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी की बात करें तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जो रेशे में तन्ने का गुण होता है, ठीक है, रेशे को खींच के अगर हम छोड़ दें फिर अपने पूर्व अवस्था को ग्रहण कर लेता है तो उसको हम प्रत्यास्था कहते हैं। तो जो कपास के रेशे होते हैं उनमें प्रत्यास्था का सख्त अभाव होता है। क्या होता है? प्रत्यास्थता का सख्त अभाव होता है, मतलब इसमें पाया नहीं जाता है, सख्त अभाव होता है। और इसी के कारण जो है कपास होता है, कपास के जो वस्त्र होते हैं उसका आकार निश्चित होता है, वो फैलते नहीं है। और इसी के कारण मतलब प्रत्यास्था का उसमें अनुपस्थिति होती है, इसी के कारण वस्त्र जल्दी सिकुड़ जाते हैं और फिर उसके बाद हमें उसको बार बार इस्त्री करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद प्रत्यास्था के बाद अगर हम बात करें तो मजबूती और दृढ़ता, तो जो कपास के हमारे रेशे होते हैं ये सबसे ज़्यादा वनस्पतिक जगत की अगर बात करें तो वनस्पतिक जगत के रेशों में सबसे मजबूत रेशा हमारा कौन सा होता है? कपास। तो मजबूत तो यह बहुत होता है। और गीली अवस्था में अगर इसकी मजबूती की बात करें, गीली अवस्था में, तो गीली अवस्था में इसकी मजबूती 30% और बढ़ जाती है। कितना? 30% बढ़ जाती है इसकी मजबूती। तो इसीलिए जब कपास के जो मतलब जो कॉटन के हमारे वस्त्र होते हैं उनको हम चाहे जैसे धुल दें, कितना भी रगड़ के धुल दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई असर नहीं होता, ना फटने का डर होता है। क्योंकि कुछ रेशे ऐसे होते हैं जैसे ऊल वगैरह, तो वो जब गीले होते हैं या भीगने के बाद तो वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी मजबूती कम हो जाती है। लेकिन कपास ऐसा रेशा है कि भीगने के बाद इसकी मजबूती और बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसकी मजबूती की बात कर लें तो गीली अवस्था में इसकी मजबूती बढ़ जाती है। और इसका कारण क्या है, मतलब अगर मजबूती बढ़ रही है तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण परिवलन है। क्या है? परिवलन, जिसको हम कहते हैं ऐठन, परिवलन या ऐठन। तो जो कपास के रेशे होते हैं उनमें जो उसका प्राकृतिक गुण होता है वो ऐठन का होता है। जैसे कि कपास मतलब जो वनस्पतिक जगत का एक रेशा आता है जिसका नाम है कापोक, तो कापोक में क्या होता है कि उसमें ऐठन का अभाव होता है। ऐठन के अभाव के कारण उससे वस्त्र निर्माण नहीं हो पाता है। लेकिन कपास में क्या होता है कि यह गुण बहुत अच्छे से विद्यमान होता है, ऐठन का या परिवलन का, जिसके कारण से इससे रेशे का निर्माण होता है और इससे वस्त्र में मजबूती और दृढ़ता आती है। अगला हम देखते हैं प्रतिस्कंदता। प्रतिस्कंदता की अगर हम बात करें तो इसका भी अभाव होता है, कपास में इसका भी सख्त अभाव होता है, यह नहीं पाया जाता है, सख्त अभाव होता है, क्योंकि इनसे पूर्वाकृति ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। प्रतिस्कंदता का मतलब क्या है कि इसमें कपास के रेशों की क्या जो है पूर्व आकृति ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम कल अगर आप बात किए थे प्रतिस्कंदता की, तो जैसे किसी वस्त्र को हम ऐसे दबाते हैं, ठीक है, दबाने के बाद फिर अपने जो पूर्व अवस्था में आ जाते हैं तो उसको ही हम बोलते हैं प्रतिस्कंदता। लेकिन कपास में ऐसा कोई
गुड़ नहीं पाया जाता है, मतलब प्रतिस्कंदता कपास के रेशों में या कपास के वस्त्रों में नहीं पाई जाती है। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है उसको देखते हैं, सिकन प्रतिरोधकता। सिकन प्रतिरोधकता इसमें क्या है कि इसमें कपास में इसका भी अभाव होता है। सिकन प्रतिरोधकता का मतलब होता है जो कपड़े हमारे सिकुड़ते हैं उनको रोकना, मतलब सिकुड़ने से बचाने की जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं सिकन प्रतिरोधकता। लेकिन इसका कपास के रेशों में अभाव होता है तो इसलिए कपास में कृत्रिम रूप से परिष्कृति या परिसज्जा करके इसमें प्रतिरोधी बनाया जाता है। ठीक है, तो जो कपास के रेशे होते हैं इसमें ये बहुत जल्दी सिकुड़ जाते हैं, बार बार इस पे इस्त्री करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, तो इस पे अगर सिकन प्रतिरोधी इसको करना है, बनाना है, तो इसके ऊपर परिसज्जा की जाती है। ठीक है, परिसज्जा करके इसको कलफ दे के या ऐसे कड़ा बनाया जाता है, नहीं तो इसमें सिकुड़न वाला क्वालिटी जो होता है, गुड़ रहता है, वह हमेशा विद्यमान रहता है। तो इसको परिष्कृत करके इसको परिष्कृत या परिसज्जा के द्वारा सिकन प्रतिरोधी बनाया जाता है। ठीक है, और अगर कहें इसमें सिकन प्रतिरोधकता का गुण क्या होता है तो वो नहीं पाया जाता है, उसका अभाव होता है। अब अगला हम देखते हैं ताप संवाहकता। ताप संवाहकता मतलब ताप मान सहने की क्षमता जो होती है, जैसे गर्मी ठंडी में कैसा, तो यह गुड कंडक्टर होता है। कैसा होता है, यह गुड कंडक्टर होता है। यह गुड कंडक्टर होता है, इसमें ताप सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। इसमें ताप सहन करने की क्षमता विद्यमान होती है। ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा हीट करके इसको हम प्रेस करते हैं। इसके बाद अगला जो है वो है प्रकाश का प्रभाव। प्रकाश का प्रभाव अगर कहें तो प्रकाश का प्रभाव इस पे पड़ता है, जो अगर धूप की बात करें, हम सनरेज की बात करें, तो धूप में क्या होते हैं, धूप में जो कपास के वस्त्र होते हैं, जो कॉटन के वस्त्र होते हैं, धूप में इनका कलर डल हो जाता है, ठीक है, डल हो जाता है या इसके रंग उड़ जाते हैं। तो प्रकाश में ज़्यादा अगर धूप में हम इसको डालेंगे या कॉटन के वस्त्र को हम डालेंगे तो यह ज़्यादा धूप नहीं सहन कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम रगड़ की बात करें तो रगड़ का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। जो कपास के रेशे होते हैं इन पर रगड़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, यह बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते हैं। और इसके बाद अगर हम दाहता की बात करें, दाहता मतलब जलाने पर या आग का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जलाने पर यह कागज के समान जलते हैं। कैसा जलते हैं, जलाने पर कागज के समान, जलाने पर कागज के समान गंध इनसे निकलती है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो कॉटन के वस्त्र होते हैं या कॉटन के रेशे होते हैं उनको जलाने के बाद कैसी गंध आती है, तो कागज के समान गंध आती है। और इसकी राख कैसी होती है, अगर राख की बात करें हम, तो इसकी जो राख होती है वो ग्रे रंग की होती है, ग्रे या धूसर कह सकते हैं, धूसर ग्रे रंग की होती है। और इसकी लौ कैसी होती है, अगर हम काटन के वस्त्र को जलाते हैं तो लौ इसकी पीली रंग की होती है। कैसी होती है, पीली रंग की लौ के साथ यह जलता है। तो दाहता का मतलब होता है कि ज्वलनशीलता या जलाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जलाने पर कागज के समान इसमें से गंध आती है। और राख जो है ये ग्रे या धूसर रंग की होती है, और लौ इसकी जलने पर कैसी दिखती है, ये पीले रंग की दिखती है।
इसके बाद अगर हम स्वच्छता या धुलाई की बात करें तो इसका धुलाई बहुत आसान है, इसकी धुलाई बहुत आसान है क्योंकि गीली अवस्था में इसकी मजबूती बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? गीली अवस्था में यह 30% और मजबूत हो जाता है। जब 30% यह और मजबूत हो जाता है तो इसको हम आसानी से धुल सकते हैं, चाहे रगड़ के चाहे जैसे, इस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इस यह बहुत जल्दी साफ भी हो जाता है, तो इसकी धुलाई आसान है। इसके बाद अगर सिकुड़न की बात करें, सिकुड़न जिसको हम श्रिंकेज कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में श्रिंकेज कहते हैं, तो इसमें सिकुड़न का गुण विद्यमान होता है। इसमें सिकुड़न का गुण विद्यमान होता है और इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, बार बार इसको प्रेस करना पड़ता है। इसमें सिकुड़न का गुण रहता है तो इसीलिए सिकुड़न के गुण को, श्रिंकेज को दूर करने के लिए हमें बार बार इसको इस्त्री करना पड़ता है, इस्त्री या प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे अगर देखते हैं अगला पॉइंट, तो सूक्ष्म जीवाणुओं, कीटों या फफूंद का प्रभाव, फफूंद का प्रभाव इस पे कैसा पड़ता है? तो सूक्ष्म जीवाणुओं या कीटों का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है इन दोनों का, लेकिन फफूंद का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस पर फफूंद का प्रभाव पड़ता है और इसको नमी से बचा कर रखना चाहिए, इसको नमी से बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम बिना सुखाए ऐसे ही कपड़ा, अगर मतलब वस्त्र पहने हैं कॉटन के और तुरंत उसको निकाल के रख दिए तो उस पर फफूंद लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमेशा इसको सुखा कर अच्छे से रखना पड़ता है। इसके बाद अगर अगली हम बात करें तो अवशोषकता, कि मतलब जो कपास के रेशे होते हैं उनमें जो पानी को सोखने की क्षमता कितनी होती है। अवशोषकता का मतलब जो पानी, वस्त्र में पानी सोखने की क्षमता वह कितनी होती है। तो पानी सोखने की क्षमता अधिक ही पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? अगर और रेशों की तुलना में बात करें तो इसमें अवशोषकता अधिक होती है। और अगर हम आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता की बात करें, इसमें आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता तो यह 50 से 60% होती है। कितनी होती है? 50 से 60% होती है, क्योंकि जैसे ही यह पानी के संपर्क में आता है या पानी में डालने पर यह बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये इतने हो गए इसके भौतिक गुण। ठीक है, अब हम बात करते हैं रासायनिक गुण का। और अगर रासायनिक गुण या रासायनिक विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा अम्ल का प्रभाव। तो इस पे जो कपास के रेशे होते हैं, इस पे अम्ल का प्रभाव कैसा पड़ता है? तो इस पे अम्ल का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी रंग खराब हो जाता है। क्या होता है? रंग उतर जाता है या रंग खराब हो जाता है, रंग खराब हो जाता है। और अगर बात करें हम सांद्र कार्बनिक अम्ल में, अगर इसको हम सांद्र कार्बनिक अम्ल में अगर हम डालेंगे तो यह नष्ट हो जाते हैं, यह इसके लिए हानिकारक है। सांद्र कार्बनिक अम्ल जो होता है इसमें ये रेशे नष्ट हो जाते हैं, जो कपास के रेशे ये गल जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम इनके लिए सांद्र कार्बनिक अम्ल का उपयोग नहीं करते हैं। और इसके दाग धब्बे अगर लग जाते हैं, दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए हम नींबू के रस का प्रयोग करते हैं। किसका? नींबू के रस का या ऑक्जैलिक अम्ल का, ऑक्जैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके लिए अगर अम्ल की बात करें तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं, लेकिन अगर अम्ल वह सांद्र है तो
तो वो वस्त्र को गला देगी, वो ज्यादा हानिकारक होगी। और अगर क्षार के प्रभाव की बात करें तो क्षार का प्रभाव पड़ता है, जो कपास के रेशे होते हैं वो रेशे निर्बल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अगर क्षार के प्रभाव में वह आए तो रेशे निर्बल हो जाते हैं, या कह सकते हैं गल जाते हैं, हो जाते हैं या गल जाते हैं। और अगर हल्के क्षार की बात करें तो हल्के क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हल्के क्षार का बात करें तो हल्के क्षार का कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है। और अगर यहां हम कहें पसीने की बात करें तो पसीने के संपर्क में आने पर, पसीने के संपर्क में आने पर ये कपास के रेशे जो हैं या कपास से बने जो वस्त्र होते हैं ये कमजोर हो जाते हैं। और वो भी पसीना अगर ज्यादा क्षारीय है तो रेशों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो विरंजन का प्रभाव, इस पर विरंजन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो विरंजन के प्रभाव में इस पे अच्छे से कलर, विरंजन का मतलब ब्लीच, इसका जो हम ब्लीच करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो कॉटन होता है, कपास मेनली सफेद रंग का होता है, सफेद या हम कह सकते हैं मटमैले, ठीक है, सफेद या मटमैले रंग का होता है, तो इसको ब्लीच किया जाता है, ठीक है, ब्लीच करके इसमें चमक लाई जाती है, इसमें ब्लीच करने से और सफेदी, ज्यादा सफेद या इसको कह सकते हैं उज्ज्वलता लाई जाती है, उज्ज्वलता लाई जाती है। तो इस पर विरंजन का प्रभाव हानिकारक होता है, ठीक है, ब्लीच का प्रभाव हानिकारक नहीं होता है, ब्लीच का प्रभाव हम जैसा चाहे वैसा करें, ब्लीच करने से क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ब्लीच करने से क्या होता है, ये वस्त्र और सफेद हो जाता है। इसके बाद अगर पसीने की प्रभाव की बात करें तो पसीने के प्रभाव इसके लिए हानिकारक है, अभी हमने ऊपर बताया पसीने का प्रभाव हानिकारक इसके लिए होता है क्योंकि वस्त्र कमजोर हो जाते हैं, वस्त्र के रेशे और कमजोर हो जाते हैं। और अगर हम रंग की बात करें तो इस पे रंग आसानी से नहीं चढ़ता है, जो सूती कपड़े होते हैं उस पर रंग आसानी से नहीं चढ़ता है। तो इस पर रंग चढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले नमक या फिटकरी का प्रयोग करना होता है, नमक या फिटकरी का प्रयोग करना होता है, क्योंकि नमक या फिटकरी के घोल में हम सबसे पहले वस्त्र को डाल के निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम उस पर कलर करते हैं, रंग चढ़ाते हैं, तब जाके रंग चढ़ता है। तो आज हम इतनी चीजें देखे हैं कपास के बारे में। इसके अगर बात करें तो भौतिक, अगर इसकी भौतिक विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो भौतिक में हम संगठन देखे हैं, तो संगठन में यह सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज कितने प्रतिशत पाया जाता है, 40 से 90%। और रेशे की लंबाई और व्यास, लंबाई आधे से ढाई इंच तक होता है, और अगर व्यास की बात करें तो यह 16 से 20 माइक्रोन तक होता है। और माइक्रोस्कोपिक संरचना में कैसा दिखता है, तो जो माइक्रोस्कोपिक संरचना में कपास का रेशा वह बल खाते फीते की संरचना जैसा दिखता है। और रंग जो चमक, कच्चे अवस्था में यह भूरे रंग का होता है, और पकने पर सफेद या मटमैले रंग का दिखता है। और प्रत्यास्था का गुण इसमें अभाव होता है, नहीं पाया जाता है, मजबूती इसमें बहुत होती है, सारे रेशों में सबसे ज्यादा मजबूत यही होता है अगर बात करें तो। और प्रतिस्कंदता का इसमें सख्त अभाव होता है, प्रतिस्कंदता नहीं पाई जाती है। सिकन प्रतिरोधकता वाली क्षमता का भी इसमें अभाव होता है। और ताप संवाहकता का गुण इसमें विद्यमान होता है, इसीलिए हम सूती वस्त्रों को गर्मी में पहनते हैं ताकि वो शीतलता का अनुभव दे सके। और प्रकाश का प्रभाव इस पे पड़ता है क्योंकि धूप में डालने पर इसके रंग उड़ जाते हैं। और रगड़ का प्रभाव इस पे ज़्यादा नहीं पड़ता है। और दाहिता जलाने पर यह कागज के समान जलता है। और राख जो इसकी कैसी होती है, ग्रे कलर की और पीले रंग की लौ के साथ ये जलता है। और स्वच्छता और धुलाई
की बात करें तो ये हैंड वॉश मतलब इसको कर सकते हैं, आसानी से इसको धुल सकते हैं और साफ कर सकते हैं, और क्योंकि गीली अवस्था में इसकी 30% और मजबूती बढ़ जाती है। और सिकुड़न की बात करें तो इसमें सिकुड़न का गुण विद्यमान रहता है, इसीलिए बार बार इसको आयरन किया जाता है। और अगर सूक्ष्म जीवाणुओं या कीटे या फफूद का प्रभाव पड़े तो सूक्ष्म जीव या कीटाणुओं का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फफूदों का प्रभाव पड़ता है। अगर गीली अवस्था में हम किसी काटन कपड़े को छोड़ दिया जाए तो उस पर फफूद बहुत जल्दी लग जाते हैं और वो कपड़े को नष्ट कर देते हैं। और इसमें अगर अवशोषकता की बात करें, जो जल धारण करने की क्षमता होती है वह सर्वाधिक होती है, यह पानी को बहुत जल्दी सोखता है। और अगर रासायनिक विशेषताओं की बात करें तो इसमें अम्ल का प्रभाव, कोई विशेष अम्ल का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन अगर वह सांद्र अम्ल है तो रेशे गल जाते हैं। ऐसे ही क्षार का प्रभाव, तो क्षार का प्रभाव इस पर पड़ता है, इससे धागे जो रेशे होते हैं वह निर्बल हो जाते हैं और उसके बाद फिर इससे कमजोर होकर टूट जाते हैं। और अगर पसीने की बात करें तो पसीने का प्रभाव भी इस पर हानिकारक पड़ता है। और विरंजन का प्रभाव करें तो विरंजन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और पसीने का प्रभाव हानिकारक, और रंग का प्रभाव, तो रंग इस पर आसानी से नहीं चढ़ता है। इस पर रंग चढ़ाने के लिए सबसे पहले फिटकरी या नमक के घोल का प्रयोग करना पड़ता है, इसके बाद फिर इस पर रंग चढ़ाया जाता है। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही है, अगले बार जब हम अगली क्लास लेंगे तो उसमें हम अगले किसी रेशे के बारे में बात करेंगे, या तो लीलन होगा या रेशम के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। अच्छा।